हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू कीवीज फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग वही है जो हमारा व्लॉग चल रहा था साईं दरबार का। साईं दरबार का थोड़ा सा व्लॉग रह गया था, तो आज का व्लॉग हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको यारा व्लॉग भी अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ने नारियल जो होता है उसको फोड़वा करके उसका रस निकलवा करके मींस जूस जो होता है उसका यहाँ पर के फोड़वा करके पिया जाता है, और यहीं पर पिया जाता है, उसको घर ले जा करके नहीं फोड़ा जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी को यानी साईं भगवान को हम लोग चढ़ाते हैं, मतलब चढ़ाया जाता है चुंदरी येलो कलर की जो पहनते हैं, और फूल नारियल चढ़ाया जाता है, लैया चना मिष्ठी और भभूति चढ़ाई जाती है। भभूति मतलब हम लोग चढ़ाते नहीं है वैसे, हम लोगों को डालना होता है भभूति। एक हमारा पूरा सर्कल टाइप में होता है, वो आपको अभी आगे वीडियो में दिखाया जाएगा, तो उसी में हम लोग को डालना होता है। तो यहाँ पर हैं साईं भगवान जी, और एक बड़ा सा उनका मंदिर है वहाँ पर साईं भगवान जी हैं और ये उनके चरण हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बनवाया गया है, और फिर यहाँ पर हम लोग भभूति डालते हैं ऐसे, ये यहाँ पर बना होता है, उसी में हम लोग को भभूति डालनी होती है। हम सब लोग मिल करके हाथ लगा करके भभूति डालते हैं, चारों साइड भभूति डालते हैं हम लोग, चार साइड होती हैं उसमें भभूति डालनी होती है, और फिर भभूति डाल करके हम लोग आगे चले गए। यहाँ पर दो तीन मंदिर होते हैं साईं भगवान जी के, तो ये है तीसरा वाला मंदिर जहाँ पर ऐसे एक छोटे से भगवान जी हैं और फिर एक बड़े से हैं। तो मम्मी और सब यहाँ पर ऐसे मतलब पूजा कर रहे थे, मतलब ध्यान कर रहे थे भगवान जी का ऐसे। तो यहीं पर बृहस्पति भगवान जी की कथा भी होती है थर्सडे के दिन। और यहाँ पर जो कमरा है, यहाँ पर भगवान जी के बहुत सारे कपड़े और उनके जूते और ये सब रखे हुए हैं, आसन उनका बना हुआ है। और यहाँ पे जाके हम लोग पीछे मत्था टेकते हैं क्योंकि भगवान जी होते हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम दोनों पीछे रह गए। हम लोगों को यहाँ प्रसाद में मिलता है पूरी सब्जी, या फिर हम लोगों को कभी कभी खिचड़ी और तहरी भी कह सकते हैं, और यहाँ पर भंडारा भी होता है, और यहाँ पर सारा प्रसाद जो होता है बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बाहर ना बारिश हो रही थी तो इसीलिए हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे, और अंश और डैडी पहले ही निकल गए थे, और ये डॉगी हम लोगों के सामने ऐसे मुँह लटका के खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग को पूरी सब्जी मिली थी, मम्मी और दादी वही खा रहे थे। वैसे मेरा थर्सडे का व्रत रहता है इसीलिए मैंने नहीं खाया, और फिर हम लोग घर चले गए। और बस तो घर जाते वक्त भी हम लोगों ने बहुत सारा फ़न किया था, अब वो आप आगे इंजॉय करिए। तो फ्रेंड, हमारा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हम अपने बीते हुए कल को फिर से देख पाएँ, उसे फिर से इंजॉय कर पाएँ, हर चीज़ को महसूस कर पाएँ कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ कितना इंजॉय करते थे। यही था हमारे ब्लॉगिंग में आने का मकसद। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे नए नए वीडियोज़ देखने को मिले। हमने
बहुत सालों से नहीं खाया मैंने पता चल।